ये गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पर एटमिक्स में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉबरमैन पिंचर के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि डॉबरमैन काफ़ी कैसा डॉग है, कि ये काफ़ी एग्रेसिव तो है, या फिर कभी कभार अपने ऑनर पर काट डालता है या फिर काटता है, छोटे बच्चों के साथ कैसा रहता है, या फिर ये एग्रेसिव तो नहीं है ज़्यादा, एक इतना ज़्यादा कि मोटा क्यों नहीं होता, ये खाना खाता है कि नहीं, आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आती है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं डॉबरमैन के बारे में। तो गाइस, इन सारे क्वेश्चन के आज आपको आंसर मिलने वाले हैं। और आपको जो अंदर कुछ क्वेरी है या फिर आप डॉबरमैन लेने की सोच रहे हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा, फर्स्ट टाइम के लिए कैसा रहेगा, सेकंड टाइम डॉग अगर आप ऑनर हो तो आपके लिए कैसा रहेगा, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, डॉबरमैन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डॉग ब्रीड होती है। इनकी बॉडी काफ़ी लीन होती है, ये काफ़ी ज़्यादा स्फूर्ति यानी स्पीड में दौड़ सकते हैं, और इनकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी होती है, दिखने में काफ़ी शाइन करती है। आप देख सकते हैं ये छोटा पपी है, ये 30 दिन का भी अभी नहीं हुआ, बट इसकी बॉडी का कलर और इसका फेस देखिए आप कितना अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट फोटो दिखाया था वो इसी का है जो मैंने कैमरे से लिया हुआ था। अब देखते हैं, थोड़ा आगे जाने के बाद देख सकते हैं आप, ये इनके पूरे बेबी से यानी 4-5 जो बच्चे, अगर आप कभी भी लेने जाते हो डॉबरमैन को तो एटलीस्ट देख सकते हैं आप कौन सा एक्टिव है, आपके कौन सा आपके साथ अच्छे से रहता है, और इनके मदर फादर को तो एटलीस्ट आपको चेक ज़रूर करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि डॉबरमैन बचपन से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते, तो ये गलत फहमी है, वो भी काफ़ी अच्छे होते। फर्स्ट टाइम अगर आप डॉग ऑनर हो तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर आप सेकेंड टाइम हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन लोग के पास डॉबरमैन होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और ये वॉच डॉग और गार्ड डॉग का भी काम करता है। आप देख सकते हैं ये फोटो में जो डॉग ब्रीड है वो उसके मदर और फादर है, तो आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आगे जाके इनके जो बेबीज होंगे वो सेम टू सेम इनकी तरह देखने को आपको मिल जाएंगे। और जो ऐसे लोग हो जिनको एक वॉच डॉग चाहिए या फिर एक अच्छा गार्ड डॉग चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं, यह अच्छा काफ़ी अच्छा वॉच डॉग भी है और गार्ड डॉग भी है। अगर आप एक अच्छा आपके घर की रखवाली करने के लिए आप लाते हो तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए सही है। बट एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका एक रूम है और आप ऐसा सोच रहे हो कि डॉबरमैन लाओ तो ये आपको थोड़ी सी दिक्कत या प्रॉब्लम आ सकती है। एटलीस्ट 2 या 3 रूम या 2 BHK 3 BHK का आपका घर होना चाहिए, और इन डॉग ब्रीड को एक्सरसाइज की प्रॉपरली ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि अगर आप लेके आते हो तो इनको एक्सरसाइज नहीं कराए, इनको एक्सरसाइज प्रॉपरली वॉक और ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत होती है। अगर आप इन्हें ये सारी चीज़ें इनको करते तो ये काफ़ी अच्छे डॉग ब्रीड आगे जाके बनती है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि डॉग ब्रीड खाना नहीं खाती, बट ये गलत फहमी है, ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे से खा लेती है और इनको खाने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। बट इनकी बॉडी उस तरह से होती है जबकि बहुत सारे डॉग ब्रीड का फैट अचानक से बढ़ जाता है, तो ये डॉग ब्रीड का आपको फैट देखने को नहीं मिलेगा। डॉबरमैन की जो बॉडी होती है काफ़ी ज़्यादा शाइन करती है, इनका कोट भी काफ़ी अच्छा होता है, कलरफुल होता है। बट ध्यान रखना कि अगर आप लेने जाते हो तो इनके कलर में कोई भी सर्कल या दाग धब्बे या फिर कुछ अलग से बाल आपको देखने को ना मिले। अगर आप ऐसा देखते हो तो वो मिक्स डॉग ब्रीड हो सकता है। ये डॉग ब्रीड भागने के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। ये डॉग ब्रीड बाकी डॉग की तरह नहीं होती कि एकदम स्लो भागती है, ये काफ़ी तेज़ी से फुर्ती से भागती है, और किसी को पकड़ना हो तो उसको जल्द से पकड़ लेती है। इसलिए इन डॉग ब्रीड को जैसे कि आर्मी हो गया, पुलिस में हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, खास करके आर्मी में इन डॉग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इनकी नाक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, कोई भी चीज़ एक बार सूंघ लेती है तो जल्दी से उस डॉग की जो सुगंध है जल्दी से चली नहीं जाती है, उस जो चीज़ है या फिर उस वस्तु को जल्दी से जल्द ढूंढ निकालती है। इसलिए आर्मी में और पुलिस में मिशन के दौरान इन डॉग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और ये डॉग ब्रीड का जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो भी काफ़ी कम होता है। एटलीस्ट अगर कोई भी डॉग को ले जाते हो खर्चा कराने हो तो वो तो आप पे डिपेंड होता है कि कितना ज़्यादा आपको खर्चा करना है। बट ये डॉग का जो अगर आप एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, थोड़ा बजट में आप खर्चा कर सकते हो, तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए सही रहेगी। इसका खाने का, हॉस्पिटल का और इनके बालों इनको रहने के ऊपर जो खर्चा आता है वही, बाकी आपको एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा इसको इनके ऊपर ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ेगा। और आप इन डॉग ब्रीड को जैसे कि बॉल के साथ खेल सकते हो, जैसे कि आप ग्राउंड पे जाते हो, गार्डन में जाते हो, वहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ से आप इनके साथ जैसे कि टॉय हो गया, फिर कुछ ऐसे बॉल्स वगैरह आते जिनको फेंक के आप इनसे रनिंग भी करवा सकते हैं, एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। और इन डॉग ब्रीड को जैसे सोशलाइज कंपलसरी आपको ज़रूर कराना है, अगर आप पहले से इनकी आदतें बिगाड़ देते हैं तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो कभी कभार ये एग्रेसिव हो सकते हैं अगर आप पहले से इनके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो ये काफ़ी रेयर केस में होता है। बट
अगर आप पहले से बच्चों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, आपके फ्रेंड के साथ या फिर कोई मेहमान आते हैं उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज करते हो तो ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छा रहता है। तो ऐसा अगर आप देखना चाहो तो इनको वॉच डॉग की तरह भी आप इसे रख सकते हो। और गाइस और भी एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इनको आप कभी खाना खिलाते हो या फिर कुछ करते हो तो उनके खाना खिलाते टाइम भी उसके सर के ऊपर बचपन से आप हाथ फेरिएगा और खाना खाते टाइम उनके साथ रहिएगा, जैसे वो खाना ख़त्म होता है फिर आप उठ के जा सकते हैं। तो ऐसे करने में क्या होता है कि वो डॉग ब्रीड आपके साथ रहेगा नहीं। तो कभी कभार क्या होता है, कोई कोई डॉग ब्रीड खाना खाता है, अचानक कोई उसके साथ जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए आप पहले से अच्छी हैबिट इसको रखिएगा। और ये डॉग ब्रीड इंडियन वेदर के हिसाब से भी अच्छे से रह सकती है, इसलिए आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम हो तो आप इसे आराम से बाय कर सकते हैं, बट इन्हें पहले से आप डिसिप्लिन में ज़रूर रखिएगा ताकि आगे जाके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस ये सारे पॉइंट जो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किए, अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा या फिर इसका पार्ट टू भी आपको लिए बना के दे दूँगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरा सेकंड चैनल है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।